अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू और चिकन के रेशा कबाब। बाज़ अवकात हमारे घर में जब हम सालन बनाते हैं तो हमारे घर में चिकन या बीफ बच जाता है, तो हम सोचते हैं कि अब हम उसका क्या बनाएं। तो आज मैं ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में भी मैंने कढ़ाई चिकन बनाई थी जिसमें से चिकन बच गया था, तो उसी को चिकन को मैंने धोकर उसके रेशा कर लिए हैं। अगर आपके घर में बीफ है या चिकन बच जाता है तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास चिकन था इसलिए मैंने चिकन लिया। मैंने आलू अपना, आपके पास जितना भी चिकन हो या बीफ हो उस हिसाब से आप अपने आलू लीजिए। आलू को मैंने 3-4 आलू थे जो बड़े साइज़ के थे उसको मैंने कद्दूकश कर लिया। उसके बाद चिकन में इतना बचा हुआ था ये तकरीबन 1 प्याली है चिकन था, इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीना, इसको मैंने काट लिया है। अंडा लिया है जो फ्राई के लिए होगा। प्याज लिए 1 मीडियम साइज़ की, उसको मैंने ऑमलेट की तरह काट लिया है। ब्रेड क्रम है जो हम अंडे और ब्रेड क्रम के साथ कबाब को कोट करेंगे। मसालों में जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, धनिया कुटा हुआ और चाट मसाला। ये बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। अगर आपको के घर में मिर्च मसाले कम खाते हैं या आपको सिर्फ बच्चों के लिए बनाते हैं, आप सिर्फ इसमें काली मिर्च ऐड करें, कुटी हुई लाल मिर्च को हटा दें, उसको स्किप कर दें, क्योंकि इस कुटी हुई लाल मिर्च का ज़रा तेज़ मज़ा होता है तो बच्चे नहीं खा सकते, इस वजह से आप सिर्फ काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस कबाब को शाम की चाय के साथ बना के खाएँ या बच्चों को लंच में दें, बेहद मज़ा देंगे। चले तो ना व्यूअर्स, हम अपनी अब इन सब मसालों को हम आलू और चिकन के साथ मिक्स करते हैं। अगर हम अपने मसाले इसमें ऐड करते हैं, सारे मसाले इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया पुदीना जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये प्याज, अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। चलिए तो व्यूअर्स, अब हम अपने कबाब बनाना शुरू करते हैं। पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो इस पर हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा सा मसाला लेंगे और इसके कबाब बनाएंगे। आप जिस तरह भी चाहे बना सकते हैं, गोल बनाएं, बेजी शक्ल की बनाएं, या इसको हाथों पे रोल करके रोल वाली भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे बना सकते हैं। मुझे ये टिकिया पसंद है इसलिए मैंने ये टिकिया बनाई हूँ। ठीक है, एक ये मैंने अपनी बना ली। अब मैं आपको एक मोल्ड से बना के बताऊँगी कि मोल्ड से किस तरह, अगर आपके पास ये मोल्ड है तो आप इजीली इससे बना सकते हैं। इसको पहले आप ऑयलिंग कर ले ताकि इस पर हमारा जो बैटर बना हुआ है वो इस पर चिपके ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जितनी मोटी कबाब जितनी बड़ी चाहिए इतना आप इतना इसमें बैटर डालें। वैसे तो इसकी कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी में आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। इसको बस इस तरह प्रेस करें, चाहे चम्मच से प्रेस करें या हाथों से प्रेस करें। मैं आपको दो तीन तरीके से बता रही हूँ। इस तरह प्रेस करेंगे हमारी ये शेप इस तरह आ जाएगी और इजीली हमारी ये कबाब बन जाएगी। अब ये देखा आपने, ये बन गई। अब इसको छोड़ा, अभी हमारी सिंपल इजी कबाब तैयार हो गई। देखा आपने, ये मैंने हाथ से बनाई और ये मोल्ड से बनाई। अब आप जिस तरीके से चाहें बना सकते हैं, जो भी आपको आसानी लगे वो करें। चले अब हम अपनी सारी कबाब बना के तैयार करते हैं। तमाम मसालों को चिकन को आलू के साथ में मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक साथ में सब मिक्स हो जाए और हमारी अच्छी सी कबाब बन जाए। देखिए नाज़रीन, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, आपको देखने से लग रहा होगा। और कब खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बचे हुए सालन की चिकन या बीफ से कबाब बने हुए। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, आप बनाएं। बाज़ अवकात हमारे घर में ये होता है कि बच जाती चीज़ें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा भाई इस ऐसी चीज़ों से हम कितनी अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। चलिए जब तक हमारी ये कबाब मिक्स हो गई है, चल देख रहे हैं इसका टेक्सचर आप, अच्छा है यार। बस अब इसकी कबाब बनाना शुरू करते हैं। देखें हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम में कोट करेंगे।
आप चाहे तो इसको लगाकर कुछ देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़ौरन के फ़ौरन इसको फ्राई, अब हम इसको फ्राई करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको ब्रेड क्रम पसंद ना हो तो आप बिना ब्रेड क्रम के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ब्रेड क्रम वाली कबाब शौक़ से खाई जाती है, इसलिए मैं ब्रेड क्रम लगा रही हूँ। वैसे भी बच्चों को भी ब्रेड क्रम वाले बहुत पसंद होते हैं, तो आप ब्रेड क्रम वाले बनाएं तो बहुत मज़े के रखेंगे। लगा के कबाबों को फ्राई करना रख दिया था, ब्रेड क्रम की वजह से ये फ्राई जल्दी हो जाते। तो अब हम इसको पलट कर देखते हैं कि हमारी कितनी फ्राई हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। ये अब कम हुई है, अब 2 मिनट रहने दे देंगे तो हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने आखिर में डाली थी। अब इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। बस आप इस तरह सारी कबाब को फ्राई करें और इंजॉय करें। चलें सारी कबाब फ्राई होने के बाद मिलते हैं आपसे। देखिए हमारे गर्मा गर्म कबाब फ्राई होके रेडी है। आप इसको गर्म गर्म केचप के साथ इंजॉय कीजिए। आप चाहे इसको सैंडविच बनाएं या उसको बन कबाब के बनाकर खाएं, या सिर्फ आप इसको वैसे ही खा सकते हैं। जिस तरह आप चाहें जिस तरह आपका है, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।